हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं अपने कविता थारू ब्लॉग पे आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं तो नहीं बताऊंगी, ये बच्चा लोग बताएगा। कहाँ जा रहे हैं जी हम लोग? भिलाई। क्या करने? नेता माने। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं आज भिलाई, यानी कि अपने पति देव के मामा के घर जा रहे हैं। तो मामा के घर किस लिए जा रहे हैं ये तो यही बताएंगे। गम्मी का न्योता है दोस्तों, तो वहीं जा रहे हैं न्योता मारने। हमारा मामी जी का, इनकी मामी जी का देहांत हो गया था, तो वहीं आज जो है काम है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं न्योता मारने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी देखिए दोस्तों, जहां पे हमको न्योता मारने जाना था वहां पे मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं नानी के घर आई हूँ नानी को देखने, क्योंकि नानी माँ का भी तबीयत खराब है, इसलिए मैं सबसे पहले नानी को ही देखने आई हूँ। तो अभी देखिए दोस्तों, हम लोग नानी के घर से जा रहे हैं जहाँ न्योता मानना है वहाँ हम लोग। हाँ गाइस, हम भी आ चुके हैं, कहाँ जहाँ आए हैं ये देख लीजिए नेहू लव जी का। और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आए थे नानी से मिलने, क्योंकि नानी भी ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, तो इनका भी तबीयत खराब हो गया, तो इसलिए मैं आई थी नानी माँ को देखना। और मैं आप लोग एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ, ये है मेरे पति देव के नानी और मेरे भी नानी। तो मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, और जहाँ जा रहे हैं न्योता मानने तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, यही है मामी जी लोग का घर। तो देखिए सभी कोई बैठे हुए हैं खाने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं अब यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि हमें मीटिंग जाना है हनाटर। और इधर देखिए, इधर सब बना रहे हैं, सब इधर पूरी छना रहा है, इधर देखिए इधर बेला रहा है। देखिए मामा जी लोग कैसे छान रहे हैं, सब पूरी छना रहे। दोस्तों दीदी लोग कैसे मज़ेदार से खा रही है। और इधर देखिए, तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और इधर देखिए,